दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद लड़की आपकी वैल्यू करना शुरू कर देगी। दोस्तों कहते हैं ना, इज्जत आदर और सम्मान ये ऐसी चीज है जो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। रेस्पेक्ट आपको तभी मिलती है जब समाज में आपकी वैल्यू होगी। और इस वीडियो में लोग आपकी वैल्यू क्यों करेंगे ये हम जानेंगे। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें तो वीडियो पूरा सुनना, स्किप मत करना। और नंबर वन है खुद की कमी महसूस करवाना। दोस्तों एक लड़का था जो ऑफिस में बहुत काम करता था और दूसरों का काम भी करता था, फिर भी उसका बॉस उसे उतना वैल्यू नहीं देता था जितना वो डिजर्व करता था। एक दिन वो लड़का मेरे पास आया और सारी बात बताई। इतना काम करने के बावजूद भी मेरा कदर नहीं करता और इवन मेरा प्रमोशन भी नहीं करता। तो मैंने उसे कहा कि तुम मेहनत तो करते हो लेकिन जब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी कमी महसूस करेंगे तो ही लोग तुम्हारी कदर करेंगे। मैंने उसे एक वीक ऑफिस से छुट्टी लेने को कहा। उसने ऐसा ही किया और जब उसकी कमी सबको महसूस हुई और उसके बॉस को भी पता चल गया कि ये लड़का कितना काम करता है, और उसके बॉस को ये पता चल चुका था कि वो हमारे ऑफिस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसे प्रमोशन का लेटर दे दिया गया और ऑफिस में सब उसकी कदर करने लगे। दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि लोग आपके काम के हिसाब से आपकी कदर नहीं करते तो आप भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए, चाहे रिलेशनशिप में हो या फैमिली में या लव लाइफ में। आपको हार्डवर्क तो करना है, इसके बिना ये ट्रिक आप पे काम नहीं आने वाली। इसलिए कहते हैं ना कि बनना है तो नमक जैसे बनो, जिसकी उपस्थिति किसी को पता नहीं चलती, पर जब वो किसी पकवान में ना हो तो सबको उसकी कमी महसूस होती है। दोस्तों अगर आप किसी लड़की को लव करते हो तो ये ट्रिक आप पे काम आने वाली है। इसीलिए लड़कियों के पीछे मत घूमो, अपने काम पे ध्यान दो। लड़कियों के पीछे ज़्यादा घूमेंगे तो उसे लगेगा कि आपके पास टाइम ही टाइम है। और नंबर दूसरा पॉइंट जो आपको फॉलो करना है, अपनी बात पर कायम रहे। मेरा दो दोस्त था, एक जो डायलॉग बहुत मारता था कि मैं 10 साल में 10 करोड़ रुपये कमाऊंगा, और एक दोस्त था जो डायलॉग तो नहीं मारता था पर वादा करता तो है हर बातों में हाँ बोल के, पर टाइम आए तो फोन नहीं उठाता था। ऐसा ही हुआ एक पिकनिक डे में, जब सब पहुंच गए और उसे फ़ोन किया तो नहीं उठाया। ऐसा ही 3-4 बार हुआ। ऐसे लोग वादे तो करते हैं पर अपने कमिटमेंट पे पक्के नहीं होते। इसलिए बनना है तो भगवान श्री राम जैसे बनो, जो एक बार मुंह से निकाल दो उसे करके ही छोड़ो। और नंबर तीसरा पॉइंट है तारीफ़ हर कोई इंसान नहीं कर सकता, तारीफ़ करना भी एक टैलेंट होता है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले ने वाकई में अच्छा काम किया है तो उसे अप्रिशिएट जरूर करें, इससे उन्हें अच्छा लगेगा और वो आपके फैन हो जाएंगे। तारीफ़ से इंसान की काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों लड़कियां तारीफ की दीवानी होती है और ये पूरी दुनिया भी, इसलिए तारीफ करना सीखिए, इससे लड़कियां इम्प्रेस हो जाएंगी। और नंबर फोर्थ पॉइंट है टैलेंट। कहते हैं ना कि आजकल कदर किरदार की होती है ना कि इंसान की, इसीलिए अपना टैलेंट लोगों के सामने लाओ। बहुत लोगों में टैलेंट तो होता है पर शर्म के मारे लोग क्या कहेंगे, डर से अपना टैलेंट छुपाए रखते हैं। इसलिए आपका टैलेंट दुनिया के सामने लाओ, फिर ये दुनिया आपकी तारीफ भी करेगी और आपकी इज्जत भी। दोस्तों लड़कियां टैलेंटेड लड़कों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में एक लड़का था जिसे बहुत अच्छा गिटार बजाना आता था और लड़कियाँ उसकी इस टैलेंट पर पागल थी और लड़कियाँ उस पर मरती थी। और नंबर फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है बिजी और कॉन्फिडेंस रहो, हमेशा अपना काम पे बिजी रहो और बहुत सारे पैसे कमाओ। लड़कियाँ ज़्यादातर उन्हीं लड़कों को वैल्यू देते हैं जो अपने काम पे बिजी होते हैं और टाइम निकाल कर उनसे बात करते हैं, ना कि वो लड़के जो हमेशा लट्टू के जैसे पीछे घूमते रहते हैं। अपने पार्टनर को हमेशा ये महसूस करवाओ कि आप बिजी हो, और बिजी शेड्यूल में से भी
आप उनके लिए टाइम निकाल रहे हो और बातें करते रहें, आप किसी से भी कॉन्फिडेंस से बात करो, चाहे वो लड़की हो या दुनिया के कोई भी इंसान हो। इससे आपका इम्प्रेशन ज़्यादा होता है, इससे लड़की आपको पसंद करने लगेगी।